सबसे पहला चौका इस बच्चे को दो, बिस्मिल्लाह करो उसको देके। बच्चे को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इस तरह के शौकीनों को आगे बढ़ाना है। मैंने अपने तरफ से इसको मांझा और पतंग दोनों आज दिए। रोहित ये बताओ बैंगन क्या हिसाब है? 20 रुपए। ये तुम्हारे अमरूद? ये 40-50 रुपए किलो है, मतलब 20 रुपए किलो, 10-15 रुपए किलो। 40-50 रुपए किलो मार्केट में बिक रहे हैं, मगर तुम 10-15 रुपए 20 रुपए किलो भी दे दोगे? इतनी मजबूरी क्यों? पतंग खरीदेंगे ना। पतंग तुम्हें कौन सी लग रही है अच्छी बताओ, जो तुम्हें अच्छी लग रही है वो तुम लो। ये लाल वाली इसको दो। मानो मैं तुम्हारी सारी सब्जी खरीद लूं तो ये पैसा क्या करोगे? पहले इस बात का जवाब दो। तो पतंग मंजा खरीदेंगे, घर लेके जाएंगे। सिर्फ पतंग मंजा? हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड बोलूं मैं ना बोलूं कि मैं क्या बोलूं इस वीडियो को, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरे पास दो शौकीन बच्चे आए हैं दोस्तों, और ये ऐसे शौकीन बच्चे आए हैं कि जिस वक्त इन्होंने मुझसे काइट मांगी है, मांझा मांगा है परचेजिंग के लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बयां करूं उस बात को, कैसे आप तक ये बातें इनकी पहुंचाऊं। शॉप पे आज तक ऐसा शौकीन नहीं आया, इतना बड़ा शौकीन मेरी शॉप पे आया। देख सकते हैं ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? रोहित। क्या नाम है? रोहित। रोहित, तो इनका नाम है रोहित, और बेटा तुम्हारा क्या नाम है? अरुण। ये है अरुण और ये है रोहित। ये दोनों मेरी शॉप पे आज काइट और मांझा परचेस करने आए हैं, और किन सूरतों में आए हैं ये दिखाएंगे आपको, तो शायद आपको दोस्तों रोना आ जाए कि इतने बड़े भी शौकीन होते हैं, और शौक के लिए लोग क्या क्या करते हैं आपने सुना ही होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि असल में शौक के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस शॉप पे तुम कैसे पहुंचे? हाँ, उस पार से आए सब्जियां लेके। उस पार से ये सब्जी लेके? उस पार का मतलब मैं बताऊं दोस्तों, मेरी शॉप से एक यहाँ कानपुर में एरिया है, बोलते हैं कटरी। कटरी में किसान रहते हैं, वहाँ पे वो किसान जितने होते हैं वो खेती किसानी करते हैं। इस समय गंगा जी में बाढ़ आई हुई है और इन बिचारों की सारी फसलें जो हैं वो बह गई। जो काइट और मांझा परचेस करने आए, इसके लिए इनको किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, मैं वो मेहनत आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरह की मेहनत करते करते मेरे पास आए, ये पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, और इनके लिए इतनी इतना बड़ा अमाउंट, जैसे हमारे आपके लिए 1000-2000 रुपए चक्की शायद एक छोटा अमाउंट होता होगा, लेकिन इनके लिए ये ख्वाब है, एक सपना है, या यूं कह सकते हैं कि इनके लिए शायद इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको पीछे दिखाता हूं, देखिए ये है इनका ठेला। देखिए कुछ लोग और आ गए अभी, ये देखिए बेचारे, ये इनका ठेला आप देख सकते हैं। ये कुछ अमरूद, ये कुछ तरोई, और ये यहाँ पे कुछ बैंगन। रोहित ये बताओ बैंगन क्या हिसाब है? 20 रुपए किलो। इतना सस्ता? और ये तुम्हारे अमरूद? ये 40-50 रुपए किलो है, मतलब 20 रुपए किलो, 10-15 रुपए किलो। 40-50 रुपए किलो मार्केट में बिक रहे हैं, मगर तुम 10-15 रुपए 20 रुपए किलो भी दे दोगे? इतनी मजबूरी क्यों? पतंग खरीदेंगे ना। पतंग खरीदना? पतंग तुरई यही भाव। तरोई भी यही भाव, मतलब 10-15 रुपए किलो तरोई। तरोई का भाव क्या चल रहा है आप लोग कमेंट से बताइए आपके यहाँ पे। और ये अमरूद जो है, ये बच्चा जो है 15 रुपए किलो एकदम फ्रेश अमरूद जो कि है बेच रहा है, आप देख सकते हैं अमरूदों की क्वालिटी। ये सब इतना सस्ता बेचने की खास वजह बताओ मुझे, अभी इन बच्चों ने सारे रेट्स बताए आपको, क्या चीज किन भाव पे मिल जाएगी, किसे इतना सस्ता बेचने की और इतनी जल्दीबाजी करने की क्या वजह है, क्यों इतना सस्ता बेच रहे हो? बेच रहे हैं, सब आ जा रहा है ना गंगा जी में, बाढ़ आ गई है ना, गंगा जी में बाढ़ आई हुई है, तो सब भाई सब तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप जान रहे हैं हर जगह बारिश का मौसम है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो गंगा जी अपने उफान पे है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, तो जो बेसिकली कटरी का एरिया है गंगा जी के किनारे का, वो कटरी कहलाता है हमारे कानपुर में, तो वहाँ बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, तो बेसिकली लोगों की जो सब्जियां हैं, वेजिटेशन है, सब वहाँ पे बह चुकी है, इसलिए ये सब्जियां जो भी अभी थोड़ा पानी कम हुआ है बेसिकली, तो उसकी वजह से ये लोग सारी सब्जियां जो है वो तोड़कर उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वो खराब, अगर वो दोबारा पानी आ जाता है तो वो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, इससे है कि ये लोग जल्दी से उसको तोड़ के वो बेच रहे हैं, यही कारण है ना बेटा। अच्छा ये बताओ, खैर ये मान लो तुम्हारी सब्जी की सारी अभी कोई खरीद ले यहाँ पर, मान लो मैं तुम्हारी सारी सब्जी खरीद लूं तो ये पैसा क्या करोगे, पहले इस बात का जवाब दो। तो पतंग मंजा खरीदेंगे, घर लेके जाएंगे। सिर्फ पतंग मंजा? और ले जाएंगे, पैसे बचा, कुछ पैसे बचेंगे तो आप क्या करोगे? लेके जाएंगे। हैं, घर ले जाओगे? अच्छा अच्छा, घर में भी देंगे ना? घर में भी दोगे, मतलब तुम्हारी दो जरूरत है, एक तो पतंग मंजा भी खरीदना तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है, और दूसरी जरूरत है कि घर में कुछ पैसे घर में देने होंगे ना। देखिए दोस्तों, इतनी छोटी सी उम्र में घर के लिए भी सोचना है, इतने छोटी असली शौकीन इसे कहते हैं कि शौक के लिए घर और घर के लिए शौक दोनों को ही देख के चलना है, दोनों को इक्वल करके चलना है, यही नहीं है कि देखिए घर में क्या मजबूरी है, घर में क्या जरूरत है उसको भी, बच्चा इतनी सी कम। बेटा तुम्हारी एज क्या होगी सबसे पहले ये तो बताओ, मैंने तुम्हारी एज पूछी नहीं। 13। बताइए दोस्तों, ये बच्चा 13 साल का है, और इससे भी शायद कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेटा शोएब जो है वो 13 साल का है, उसकी हाइट वगैरह शायद इससे ज्यादा है, और मुझे लग रहा है कि शायद ये 12-11 साल का हो, 12 साल के, ये तो 9 साल के ही लग रहा है। हाँ, 10 साल का राउंड है बच्चा ये, तो इस उम्र में ये समझदारी
दोस्तों सैल्यूट है, और ये हमारे इंडिया के बच्चे हैं। और एक चीज मैं दोस्तों और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो हमारी गंगा कटरी है जो कहलाती है बेसिकली, ये हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। अगर आप नाव से जाते हो बीच गंगा जी से होके, लेकिन इस समय गंगा जी में इतना ज्यादा पानी है कि नाव नहीं चल रही हो, बेसिकली इनको घूम के आना पड़ता है गंगा बैराज होते हुए। वो दूरी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हो जाती, ज्यादा ही होगी, ज्यादा हो जाती है। और ये बच्चे पैदल खेला लेके आ रहे हैं। हाँ, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, यानी 20 किलोमीटर ये चल के आना जाना, कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। जैसे कि तुम वहां से चलते हो, अराउंड 10 किलोमीटर तुम्हारा सफर है, 10 किलोमीटर जब तुम चले हो तो कितना टाइम तुम्हें आने में लगता है या कितना टाइम जाने में लगता है? 2 घंटा लगता है, 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में और 2 घंटा जाने में, मतलब 4 घंटे तो का तो सफर है बेटा तुम्हें सिटी में आने के लिए, यहाँ पे माल बेचने के लिए। उसके बाद 3-4 घंटे लगते हैं बेचने में, कम से कम 3-4 घंटे, कभी कभी नहीं बिकता तो 8-6 घंटे भी लग जाते हैं, 8 घंटे भी लग जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बिक्री के ऊपर है, बिक्री अगर जल्दी हो गई तो पता चला बच्चे 4 घंटे में 6 घंटे में फारिग हो गए, अगर 4 घंटे में फारिग हो गए तब भी अराउंड करीब 4 और 4 8 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत, इतनी सी कम सिम जाने का कोई टाइम नहीं है जी, इतनी कम सिम उम्र में करीब 8 घंटे और 10 घंटे की मेहनत। बेटा रोहित एक सवाल बहुत मैं तुमसे इंटरेस्टेड करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, हमको इस बात का जवाब दो कि जैसे कि आप पतंग का शौक कर रहे हो, ठीक है, आपको ये शौक कैसे लगा? पतंग उड़ाने आते तो पतंग पकड़ते, वैसे में शौक आ गया। कौन पतंग उड़ाने आता है, तुम्हारे गांव में कोई आता? नहीं, शहरी जाते हैं उड़ाने, शहरी ना यहाँ से, मतलब यहाँ से जो क्लब जाते हैं वो तुम्हारे गांव के साथ, जैसे कि तुमने बताया गंगा बैराज के उस पार, तो हाँ हम लोग कटरी जाते हैं पतंग उड़ाने, तुम्हारे वहाँ मैदान पड़ता है ट्रांस गंगा सिटी, तो ट्रांस गंगा सिटी के अंदर तुम लोग रहते हो, तो हम लोग वहाँ जाते हैं अक्सर संडे को या बीच में जब टीमें आती शौक करने, तो उनको देख के या उनकी लूट लूट के पतंगे तुम लोग को शौक लगा? तो दोस्तों देखिए हम लोग वहाँ पे जाते थे पतंग उड़ाने, और हम लोग को देखा देखी ये लोग भी वहाँ पे उड़ाना सीख गए, और अब इनको पतंग नहीं मिलती है, कभी कभी लूट के काम चल जाता है, जब लूट के काम नहीं चलता है तो बेचारे इनको खरीदना पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है इनके लिए कि उसके लिए दोस्तों ये किस कदर मेहनत कर रहे हैं आप देखिए समझिए। खैर बेटा तुम रोहित परेशान मत हो, अब से तुम्हें जब भी पतंगों के मांझों की जरूरत पड़े मेरी शॉप पे आना, तुमको पतंग और मांझा दोनों फ्री मिलेगा, क्या बोलना चाहोगे आप? खुश है, हंसो, इतना डरो नहीं, शर्माओ नहीं बेटा, है ओके, अच्छा बंधन आने वाला है। पतंगे ये कार्टन रखा दोस्तों, इस कार्टन की अनबॉक्सिंग मैं करूंगा, और सबसे पहली पतंग जो निकलेगी मैं इस बच्चे को दूंगा, और बल्कि सामने ही मैं कार्टन की अनबॉक्सिंग कर दे रहा हूँ बिस्मिल्लाह गिव अवे करके, असली गिव अवे, देखिए मेरी शॉप का ये होने जा रहा है, इसको बोलते हैं असली गिव अवे, जिस गिव अवे को करके मुझे गर्व होगा, निकालो खोल दो, बहुत बड़ा कार्टन है, इन बच्चों ने शायद इतनी पतंगे कभी देखी ना हो, पहली बार देखी बेटा इतनी पतंगे कभी नहीं, तो ये देखिए पतंगे निकली है, आओ अब देखो ये है, कौन सी पतंग पसंद है, जो पतंग पसंद है बेटा उठा लेना, ये बढ़िया है, देखिए दोस्तों मझोली वो भी इतनी डिजाइनर मझोली की पतंग है दोस्तों, इतनी डिजाइनदार मझोलियां आई, थोड़ा सा पतंगों में झोल है, जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ नमी का मौसम है, बारिश बाहर हो रही है, ये भी है ना कार्टन में बंधने से भी झोल आ जाता है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि टाइट बनता है, टाइट होता है, पतंग बहुत अच्छी भाई, और ये मजोली आपको 6 रुपए की मिलेगी, सबसे पहले चौका इस बच्चे को दो, बिस्मिल्लाह करो उसको देखे, एक चौका बेटा तुम्हें ये मिला, और हटाओ ये पतंगे तुम्हारी है, अभी ले जाओ चाहे कभी ले जाओ, और निकालो तो दूसरा कोई डिजाइन है दोस्तों, ये बच्चा है इसको फुल सपोर्ट करिए, इस बच्चे को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इस तरह के शौकीनों को आगे बढ़ाना है, मैंने अपने तरफ से इसको मांझा और पतंग दोनों आज दिए, मैं इसको मांझा भी दूंगा एक चरखी कम से कम के कुछ टाइम तक, तो कम से कम इसका शौक पूरा हो, ये देखिए पतंग, ये रेड कलर, कैसी लगती लाल पतंग तुम्हें? अच्छी। अरे तुम्हें कैसी लगी शाकाल? अच्छी लग रही है, तुम्हें कौन सी लग रही है अच्छी बताओ, जो तुम्हें अच्छी लग रही है वो तुम लो, ये लाल वाली इसको दो, तुम्हारा क्या नाम था बेटा, क्या नाम बताया तुमने? अरुण। अरुण, तो अरुण कौन, दिलवाले वाले अरुण हो? अजय देवगन। अजय देवगन, छोटा अजय देवगन। अजय देवगन कैसा लगता तुम्हें? बढ़िया लगता है अजय देवगन, अजय देवगन लगते हो तुम भी एकदम, अगर बाल बाल तुम्हारे आ जाए तो तुम अजय देवगन ही लगोगे बिल्कुल, फेस कट तुम्हारा अजय देवगन वाला एकदम, तो ये है अजय देवगन अरुण दिलवाले मूवी के, और वो प्यार में पागल हुआ था, ये पतंग में पागल है, बेसिकली ये लोग पतंगबाजी के लिए पागल है, और ऐसे पागलपन होना चाहिए जो अच्छी बात है, तो वो प्यार में पागल हुआ था, और ये हमारे जो है ये पतंगबाजी में थोड़े से क्रेजी है, क्या कहें इनको, क्रेजी। चलिए और आगे देखते कौन खड़े, तुम्हारा बेटा क्या नाम है? अमित। तुम कैसे आना हुआ तुम्हारा? अच्छा तुम इनके साथ आयो, तुम यहाँ क्या कुछ लेने आयो क्या? तुम्हारे साथ, चलो तुम्हें क्या चाहिए था? सद्दी और पतंग। अच्छा कौन है, तो चलिए इनको मैं अनबॉक्स करता रहूंगा, और बेटा अभी हटेंगे, ये दो डिजाइन निकले, अभी इसमें दसियों डिजाइन और निकलेंगे, ठीक है, अभी मैं इसको बाहर निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि मजबूरी है मेरी, नमी का मौसम है, तो मैं जब इसको निकालूंगा तो सारे के सारी पतंगे बॉक्स में डालूंगा,
तो जो भी डिजाइन निकलता रहेगा सारे डिजाइन तुम्हें एक एक चौका मिलता रहेगा। अब देखो तुम कितने डिजाइन निकलते हैं, अब तुम ये दुआ मांगो ज्यादा से ज्यादा डिजाइन निकले, जितने ज्यादा डिजाइन निकलेंगे उतने ज्यादा चौके तुम्हारे पास जाएंगे। सूरज डन? बिल्कुल डन, डन डबल डन डन डन। जितने चौके निकलेंगे, जितने डिजाइन निकलेंगे, उतने डिजाइन का हर चौका तुम्हारा। क्यों शाकल? दोनों भाइयों को, सॉरी अरुण, तो इन दोनों भाइयों को इस तरह से पतंगे मिलेंगे। दोस्तों मैंने अपने तरफ से पतंग और मांझा दिया है, अगर आप भी कोई हेल्प कर सकते हैं तो वेल डन। पता नहीं ये मजोली 6 रुपए वाली, 7 रुपए वाली भी मजोली इसमें है, जो 7 रुपए वाली मजोली उसमें काफी सारे डिजाइन अभी आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी देखने को मिलेंगे। और इसका जो फुल वीडियो है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा। ये तो एक ये वीडियो बनाने का कुछ कोई रीजन नहीं था, बस इन बच्चों को देखा और एकदम से बस मैं ये वीडियो बनाने लगा। क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, मुझे खुद तो कुछ नहीं पता। सूरज आपको कुछ पता है? नहीं, बस ये वीडियो बन गया, बस ये बच्चों का शौक, बच्चों की मोहब्बत में बन गया ये वीडियो। और इस काइट का जो फुल अनबॉक्सिंग वीडियो वो आपको मिल जाएगा अलग से, इसमें कौन कौन सी पतंगे किसके क्या रेट है वो मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों, ये इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, इस तरह के शौकीनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में बताइए। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट्स में आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के कॉन्टेंट नहीं अच्छे लगते हैं तो आप बायकॉट दिस कॉन्टेंट कॉन्टेंट करके आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इस तरह के कॉन्टेंट आपके लिए कभी नहीं लाऊंगा। मुझे लगा कि इस तरह के बच्चों को भी दिखाना चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं अपनी राय। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 तो बोलो, अरे शर्मा क्यों रहे हो, बोलो बाय बाय। फिर मिलोगे, ये आखिरी वीडियो है, मिलोगे शॉप पे। आप इस शॉप पे तुम आते रहना बेटा, तुम भी आते रहना जब भी जरूरत पड़े पतंग की और मांझे की। ठीक है, ओके बाय।